द्रौपदी ने कुत्तों को कौन सा श्राप दिया था और क्यों? जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर जीतकर उन्हें ब्याह कर कुटिया में लाए थे, तब अर्जुन ने कुंती से कहा कि माँ देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे कह दिया कि पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। शादी के बाद द्रौपदी अपने पांच पतियों के साथ रहने लगी थी, लेकिन वह एक समय किसी एक पांडव के साथ ही समय व्यतीत करती थी। जब द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत करती थी, तो वह पांडव दरवाजे के सामने अपनी चरण पादुका रख देते थे। इससे दूसरे पांडव को पता चल जाता था कि कोई एक भाई द्रौपदी के साथ अपने कक्ष में है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हो गई कि दरवाजे के पास रखे चरण पादुका को कुत्ता घूमते घूमते मुंह में उठाकर दूर जंगल में ले गया। इस दौरान जब दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष की तरफ गए, तो उन्होंने यह देखा कि दरवाजे पर कोई भी चरण पादुका नहीं है, तो उन्हें लगा कि द्रौपदी के कक्ष में कोई नहीं है। जिसके बाद उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष में उनके भाई के साथ अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। यह देखकर तीनों ही शर्म से लज्जित हो गए, जिस पर द्रौपदी ने कहा कि आपको बाहर दरवाजे पर चरण पादुका नहीं दिखे। तब उन्होंने जवाब में कहा कि बाहर कोई चरण पादुका नहीं थे, इसलिए मैं आपके कक्ष में आ गया। जब बाहर चरण पादुका देखने गए, तो वहां पर कोई चरण पादुका नहीं थे। तभी वहां पर मौजूद अर्जुन और भीम चरण पादुका को खोजने गए, तो उन्हें सारी सच्चाई पता चली। उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ कुत्ते उनके चरण पादुका से खेल रहे थे। यह सारी बातें जब अर्जुन और भीम ने द्रौपदी को बताया, जिससे क्रोधित होकर द्रौपदी ने कुत्तों को यह श्राप दिया कि जिस तरह से किसी ने मेरा सहवास देखा है, उसी तरह से पूरी दुनिया तुम्हारा सहवास होते हुए देखेगी। तभी से कुत्ते खुले में सहवास करते हैं।